प्रहलाद कलीसिया के नाम जो पत्र लिखा गया वो कहाँ भेजा गया, किसके पास भेजा गया है, कंट्री है, उस कंट्री का नाम मैं बताना चाहूंगा, वो है तुर्की या टर्की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और हम दूसरे भाग के ऊपर बातचीत कर रहे हैं जिसमें है सात कलीसियाओं के नाम पत्र। और प्रकाशित वाक्य एक अध्याय से लेकर चार पद से लेकर और आठ पद तक है। हम आज जो बात करेंगे प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के चार पद में पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर जो है यहाँ लिखा हुआ है चार पद में, यूहन्ना की ओर से आसिया की सात कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, उन सात आत्माओं की ओर से जो सिंहासन के सामने हैं। ये बड़े गहरे रहस्य है इसके अंदर। हाँ, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि ये पद है ऐसा है तो उसको छोड़ दिया या इस पद में कुछ खास नहीं है। प्रकाशित वाक्य की हर एक जो आयत है उसके अंदर बहुत कुछ खास आपको मिलेगा और बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि परमेश्वर क्या बातचीत कर रहा है। अब जैसे इसमें ले लीजिए कि इसके जो है दो तीन बातें इसके अंदर हैं। पहली बात कि यूहन्ना की ओर से आसिया की सात कलीसियाओं के नाम। आसिया का यहाँ पर जो मतलब है, आसिया का जो अर्थ है वो एशिया से है कि एशिया की सात कलीसियाओं के नाम। अब हम एशिया की सात कलीसियाओं के विषय में बात करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा जो भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को प्रचार करता होगा तो वो आसिया यानी एशिया की सात कलीसियाओं के बारे में बात करता है कि ये एशिया की सात कलीसियाएं हैं, बहुत कुछ है। मगर आपको पता है कि एशिया का सबसे पहले एशिया का अर्थ क्या है? पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एशिया का जो अर्थ है वो क्या है, पहले हम इसको समझ ले। एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है इब्रू भाषा के आसू शब्द से हुई है, जी हाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य या उगता हुआ या निकलता हुआ सूर्य। ये आसिया का जो या एशिया का जो है ये अर्थ है। अब आपको पता होना चाहिए कि एशिया जो है जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर हर एक चीज के सात भाग है, जैसे अफ्रीका है, अटलांटिक है और एशिया जो है ये है, यूरोप है, तो एशिया भी एक भाग है इस संसार का। संसार को सात भागों में जो है सात द्वीपों में बांटा गया है और एशिया एक द्वीप है जिसके बारे में है और इसके अंदर जो है 48 कंट्रीज आती हैं, जी हाँ 48 कंट्रीज आती हैं। अब जब हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में 48 कंट्री है, तो ये सात कलीसियाएं किस कंट्री के अंतर्गत हैं, किस कंट्री के अंतर्गत आती हैं, ये ध्यान देने की बात है। जब हम इन सात कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी स्थापना जो है कहां पर हुई है। जब तक ये पता नहीं चलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि सात कलीसियाओं के नाम जो पत्र लिखा गया वो कहां भेजा गया, किसके पास भेजा गया है। तो यहां पर जो कंट्री है उस कंट्री का नाम मैं बताना चाहूंगा, वो है तुर्की या टर्की कहते हैं। बात एक ही है, आप चाहे टर्की कह लीजिए या तुर्की कह लीजिए, तुर्की हिंदी में है वो इसमें बताते हैं। इन सात कलीसियाओं की स्थापना जो है वो पौलुस ने करी है 65 एडी से लेकर 67 एडी के बीच में जो है पौलुस ने जो है इन सात कलीसियाओं की स्थापना करी है। और 67 एडी में पौलुस जो था रोम के अंदर उसकी मृत्यु हो गई या उसको मार डाला गया, उसको प्राण दंड दिया गया 67 एडी में रोम के अंदर जो है पौलुस मारा गया। परंतु वो ये सात जो कलीसियाएं हैं इनकी स्थापना वो कर चुका था। इन सात कलीसियाओं के बारे में जब आप पढ़ेंगे, जब पौलुस जो बता चुका है इसके बारे में जो एशिया में है, जिसको हम एशिया कहते हैं क्योंकि तुर्की जो है वो एशिया में आता है, और एशिया तुर्की एक ऐसा देश है जिसका आधा भाग एशिया में है और आधा भाग जो है यूरोप में है, ध्यान दीजिएगा, जी हाँ यूरोप में है। एशिया वाले भाग को अंतोलिया कहते हैं और यूरोप वाले भाग को थ्रेस कहते हैं, ये जो भाग है यूरोप वाले भाग में है। अक्सर लोग सोचते हैं कि तुर्की में सात कलीसियाओं के कारण वहां ईसाइयों की जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा होगी,
बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां 7 चर्चेस की स्थापना हुई, सारी चीज है। मैं बहुत पीछे तक तो नहीं जाऊंगा इतिहास में, परंतु हाँ 1914 में जो था, कम से कम वहां ईसाइयों की जो जनसंख्या हुई है 20 से लेकर 25% थी। 1927 में 3% से लेकर 5.5 तक रही है, और अब जो है 0.3 या 0.4 जो है परसेंट जनसंख्या है। ये जनसंख्या गिरने का कारण क्या है, ये पता होना चाहिए कि इसके गिरने का कारण क्या रहा है और क्यों मतलब ये गिरी है। इसमें कई प्रकार के नरसंहार के बारे में है, जैसे ओटोमन नरसंहार और अर्मेनियाई नरसंहार, ग्रीक नरसंहार और एशियाई नरसंहार के कारण जो है ईसाइयों का प्रतिशत जो है वो गिर पड़ा है। 1955 में ईसाई, यूनानी और अर्मेनियाई लोगों को इस्तबुल नरसंहार के खिलाफ लगाया गया था। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो थी कि वहां पर जो ईसाई थे बहुत समय से, जो क्योंकि बहुत समय से अगर आप देखेंगे तुर्की का इतिहास जो है ईसा से 7500 वर्ष पहले का है, जो हिस्ट्री बता रहा हूँ उसके अनुसार जो है बात कर रहा हूँ मैं। और जब मसीहत फैली तो बहुत तुर्की जो था पूरा लगभग जो था मसीही को ग्रहण करने वाला और मसीह को अपनाने वाला लोग थे वहां पर, और उन्होंने अपनाया भी तुर्की के लोगों ने। परंतु जब पूरा यूरोप में और एशिया में जब फेर बदल हुआ, तो ये कंट्री जो था मुस्लिम देश में जब परिवर्तित हुआ, तो बहुत से जो उस समय मसीह थे वो अपने आप को मसीह कहलाने से क्या था, डरने लगे। अब डर किस बात का था, क्योंकि वहां पर जो था यहाँ समस्या जो थी, पूर्व मुस्लिम प्रयाग जो थे पारिवारिक, एक तो पारिवारिक दबाव था, फिर धार्मिक भेदभाव का था, फिर डर के कारण जो थे वो अपने आप को ईसाई नहीं कहते थे और ईसाई धर्म को कहने से अपने आप को छुपाते। तो ये ऐसे बहुत से जो कारण रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पर मसीहत की जो जनसंख्या है वो कम होती चली गई। हालांकि तुर्की अपने आप को धर्म निरपेक्ष देश मानता है और यही वो कहता भी है, जो इतिहास इस बात का गवाह है, जो इतिहास इस बात को कहता है। तो ये पहला पॉइंट था कि आसिया के नाम जो है, 7 चर्चों का जो पत्र है आसिया के नाम क्या है, आसिया के बारे में आपने सीखा, एशिया के बारे में आपने सीखा, जो तुर्की जो एशिया वाले भाग में जिसमें 7 कलीसियाओं की पौलुस ने स्थापना की है। अब हम इसके दूसरे भाग की ओर जरा ध्यान करेंगे, दूसरा भाग है उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है कि उसकी ओर से, यानी अब ये जो पत्र है कि ये पत्र जो भेजा जा रहा है वो किसकी ओर से भेजा जा रहा है, ठीक है, ये यूहन्ना की ओर से नहीं भेजा गया है। खास तौर से ये जो दूसरा इसका जो पॉइंट है, इसमें लिखा कि जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी इनकी ओर से जो है ये पत्र भेजा जा रहा है। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है कि ये क्या है, ध्यान देने वाली जो है, है? जो है का मतलब यानी पवित्र आत्मा, यानी सत का आत्मा, जो था यहोवा परमेश्वर अर्थात सृष्टिकर्ता, जो आने वाला है अर्थात प्रभु यीशु मसीह न्यायकर्ता के रूप में, राजा के रूप में और दूल्हे के रूप में जो है ये आने वाला है। ये तीनों के द्वारा जो है ये पत्र एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम जो है वो भेजा गया है, इन तीनों की ओर से। किसकी ओर से, जो है उसकी ओर से यानी पवित्र आत्मा की ओर से, जो था यहोवा परमेश्वर अर्थात सृष्टिकर्ता की ओर से, और जो आने वाला है अर्थात न्यायकर्ता के रूप में या राजा के रूप में या दूल्हे के रूप में प्रभु यीशु मसीह, उनके नाम जो है ये भेजा जा रहा है। इस पद पर परमेश्वर के 3 युगों को भी दर्शाता है। जी हाँ, 3 युगों को। अब आप कहेंगे 3 युग कैसे हैं ये 3 युग, जो है वर्तमान युग यानी पवित्र आत्मा का युग कहलाता है, इस समय जो चल रहा है ये पवित्र आत्मा का युग चल रहा है, जो था भूतकाल युग यानी भूतकाल का बीता हुआ समय, वो यहोवा परमेश्वर का युग कहलाया जो सृष्टिकर्ता के रूप में था, ठीक है, जो आने वाला है यानी भविष्य काल
भविष्य काल का समय यानी यीशु मसीह का युग, यहां पर जो है वो यीशु मसीह का युग जो है वो आने वाला है। तो ये तीन युग हैं, और इन तीनों युग में अगर देखा जाए तो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के, उसके पवित्र आत्मा की, इन तीनों की बातें एक सी हैं, अलग अलग नहीं है। और इन तीनों की कोई भी बात अलग नहीं होती है। जो बात पिता की है वो पुत्र की है, और जो बात पुत्र की है वो पिता की है, और वही बात आत्मा की भी है। आत्मा की जो बात है वो पिता की भी है, पुत्र की भी है, और इन लोगों की दोनों की जो बात है वो आत्मा की भी बात है, वो एक सी होती है, अलग नहीं होती है। इसी का प्रकाशित वाक्य एक का जब आठवां पद पढ़ेंगे, आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम वही चीज लिखा, परंतु इसमें कुछ थोड़ा सा क्लियर हो गया है। अब कैसे क्लियर हो गया है? प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, वहां पर लिखा है कि उसकी ओर से, मगर यहां पर जो है आठवें पद में क्लियर करा है कि प्रभु परमेश्वर की ओर से। अब वो प्रभु परमेश्वर कौन? जो है, अर्थात पवित्र आत्मा, जो प्रभु परमेश्वर कहलाता है, ठीक है। और जो था अर्थात सृष्टिकर्ता, प्रभु परमेश्वर यहोवा जो सृष्टिकर्ता था और है, और जो आने वाला है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो आने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो कहलाता है। अब इन तीनों के बारे में एक ही चीज है। अब वो क्या चीज है? देखिए यहां पर जो एक चीज कही गई है, सबसे पहले कहा गया है कि जो सर्वशक्तिमान है, ठीक है, परमेश्वर का आत्मा भी सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर यहोवा जो सृष्टि करता है वो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और यीशु मसीह भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तीनों के बारे में एक ही चीज है, कोई भी बात इन तीनों में अलग नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी चीज हम अलग नहीं कहते। इसलिए बहुत से लोग जो हैं त्रिएक परमेश्वर पे उंगली उठाते हैं, त्रिएक कि नहीं साहब ये तो तीन परमेश्वर को मानते हैं, या तीन परमेश्वर नहीं है, बल्कि यहां पर जो दिखाया गया है कि परमेश्वर अपने अलग अलग रूप को प्रकट करता है, और अलग अलग रूप में वो अपने आप को दर्शाता है और वो अपने काम को दिखाता है। जैसे कि जो है यानी वर्तमान युग या परमेश्वर जो है अपनी आत्मा के द्वारा कार्य कर रहा है, और आत्मा के द्वारा क्या कार्य कर रहा है? जीवनों को बदलना, सच जो सत्य है उसको उजागर करना, अपनी आत्मा के द्वारा सत्य को प्रकट करना, और उस सत्य में बहुत से लोगों को लाना, और आत्मा के अनुसार हर एक जीवन को जीने के लिए उत्साहित करना। और जो था यानी सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर की, उसने किस तरीके से मनुष्यों की सृष्टि करी, कैसे इस दुनिया की सृष्टि करी, कैसे उसने ये सारी चीजों को बनाया, और किस तरीके से उसने अपना नियम, अपने कानून, अपनी व्यवस्था बनाकर मनुष्यों को दी, और कैसे कैसे मनुष्यों को वर्शिप करना, क्या करना, वो सारी चीजों का नमूना, और वो सारी चीजें उसने अपने दासों को दी और उसको मनुष्यों को देकर, और उसने कहा कि तुम इसको इस तरीके से करना। जो आने वाला है अर्थात सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर, जो अब उसका जो रूप होगा, उसी परमेश्वर का जो रूप होगा वो न्यायकर्ता के रूप में होगा, क्योंकि वो सबका न्याय करेगा। सबसे पहली बात है कि सबका न्याय जो है वो प्रभु यीशु मसीह करेगा। फिर लिखा है कि वो राजा बनकर जो है वो आएगा, क्योंकि वो सब पर उस पर प्रभुता करेगा, राज करेगा। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो राजा का रूप है। अब दुल्हे की जब हम बात करते हैं तो दुल्हे का मतलब क्या है कि कलीसिया जो है वो उसकी दुल्हन है, और वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी में ले जाएगा, और एक नए यरूशलम में अपनी दुल्हन को ले जाकर रखेगा। तो ये तीनों काल जो हैं, ये तीनों जो युग हैं, इन तीनों युग में परमेश्वर इस पद के द्वारा जो है, इन पदों के द्वारा ये दर्शाता है कि उसके वो तीनों रूप जो हैं वो अलग अलग हैं, और वो अपनी कलीसिया से उस समय भी प्रेम करता था, अभी भी कर रहा है, और आने वाले समय में भी वो करेगा अपनी कलीसिया से, अपनी दुल्हन से। और जो सेवन चर्चेस हैं, जो सात कलीसियाओं के बारे में जो कार्य है उसका वर्णन जो है वो बताता है कि कैसे होता है। इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे कैसे युगों में परमेश्वर की इस जो कलीसिया रही है, जो कलीसिया का युग रहा है, जब मैं सेवन चर्चेस की बात करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि सबसे पहली कलीसिया की स्थापना कब और कहाँ हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहली कलीसिया की स्थापना जो है वो कब हुई और कहाँ पर हुई है और कैसे हुई है, ये जानना बहुत जरूरी है। जिसको हम बोलते हैं हमारा मदर चर्च, मदर चर्च क्या है,
इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, परंतु आने वाले जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इन विषयों में जो है हम लोग चर्चा करते रहेंगे और उस चर्चा का विषय जो है वो होता रहेगा। यहाँ पर है तो पद चार और पद आठ जो है वो एक ही चीज को दर्शाता है, यानी सात कलीसियाओं को भेजा गया पत्र, और वो तीनों युगों के लिए परमेश्वर के युग को दर्शाता है, वर्तमान युग, भूतकाल युग और भविष्य युग दर्शाता है। सर्वशक्तिमान के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा, सर्वशक्तिमान का कथन जो यहाँ पर आया है उसका मतलब क्या? सर्वशक्तिमान यानी कोई उसके अंदर बहुवचन नहीं है, एक ही वचन है, यानी मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, अगर आप निर्गमन 3 अध्याय और उसका 14वां पद पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम मिस्र में जा और मेरे लोगों को छोड़ा अकेला, बोला मैं वहां जाऊंगा तो मैं उसको क्या बताऊंगा कि मुझे किसने भेजा है। तब वहां पर परमेश्वर अपना नाम बताता है, सबसे पहला नाम जो वो बताता है वो इस बात को बताता है कि उससे कहना मैं हूं सो हूं ने भेजा है। फिर लास्ट में कहता है कि मैं हूं ने भेजा है, जी हाँ मैं हूं ने भेजा है, और वो अपने नाम को बताता है। अगर मैं हूं की बात अगर हम देखें तो यहाँ पर सर्वशक्तिमान की बात करते हैं कि मैं हूं, सिर्फ वही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कई बार ये कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, और इस तरह भेड़ों का द्वार मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर मैं हूं का प्रयोग करता है। हम अपने लिए मैं हूं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम जो है सिर्फ जो परमेश्वर है वही अपने लिए मैं हूं का जो है वो प्रयोग करता है। अब यहां पर जो है परमेश्वर का वचन एक बात और भी कहता है, वो क्या कहता है कि अल्फा और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा जो है ये इब्रू शब्द है और इसका मतलब होता है आदि और अंत। यीशु मसीह अपने लिए और परमेश्वर भी अपने लिए इस्तेमाल करता है कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं। अल्फा और ओमेगा यानी आदि और अंत जो है प्रभु यीशु मसीह है, यानी जो शुरुआत है, जो आरंभ है वो परमेश्वर है, उसके आरंभ का कोई पता नहीं। मगर इस दुनिया का आरंभ के बारे में तो हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं, परंतु परमेश्वर का आरंभ क्या है, परमेश्वर का अंत क्या है, कोई नहीं जान। हमारा आरंभ है और हमारा अंत है क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है और सृजा है, मगर परमेश्वर का कोई नहीं, इसलिए उसे आदि और अंत जो है वो कहा गया है कि वो आदि और अंत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके तीसरे पॉइंट में जो है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। अब इस विषय पे जो है मैं और आप चर्चा करेंगे कि वो 7 आत्माएं क्या हैं। उन 7 आत्माओं के विषय में आने वाले जो आने वाला वीडियो होगा उसके अंदर हम सीखेंगे कि वो 7 आत्माएं क्या हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी हैं। लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, जब उन 7 आत्माओं के विषय में बातचीत करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बने रहिएगा इस वीडियो में, और इसको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की जो चर्चा हम आपसे कर रहे हैं इस चर्चा को सुनते रहिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आने वाली हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी कि अच्छा ऐसा भी होता है, परमेश्वर ने ऐसा भी किया है, और इतना परमेश्वर ने जो ज्ञान जो है वो दुनिया में इतना फैला रखा है, इससे इतने बड़े बड़े भेद हैं, ये सारे भेद जो है परमेश्वर मुझ पर और आप पर खोलने जा रहा है। इसलिए आप इस प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला में बने रहें और आने वाले वीडियो में देखेंगे परमेश्वर की 7 कलीसियाओं के बारे में। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।